नशा मानव समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में शामिल है। इसमें जहां लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहीं आर्थिक, मानसिक तथा अनेक तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सरकार काम नहीं कर रही। गुजरात सहित बिहार में शराबबंदी तो वहीं हजारों एनजीओ भी नशा मुक्ति के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में यह बीड़ा कोरम समाज के लोगों ने अपने हाथ में लेकर इसे गांव-गांव में नशा के व्यापक दुष्प्रभाव से नुक्कड़ सभा, गीतों व सभाओं के माध्यम से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। सर समाज के लिए चलने वाले इस मुहिम में कोरम महासभा के दीक्षा मंडल के पनारी नारगी में पदाधिकारी सहित जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लोगों ने संकल्प पत्र भरकर नशा से किनारा करने की बात कही, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि अभियान लोगों में कितनी सार्थकता छोड़ेगा। बनारी गांव में कोरम समाज द्वारा एक नशा मुक्ति के लिए एक सभा रखी थी, उन्होंने मुझे उसमें आमंत्रित किया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा ही हम अपने लोगों पर एक प्रेशर बना सकते हैं, उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इस दिशा में मैंने यही कहा कि जहां जहां पुलिस का सहयोग मिलेगा, पुलिस सहयोग करेगी, पुलिस के द्वारा जगह जगह कार्रवाई भी की जाएगी। तो जहां भी आपको लगता है कि इस प्रकार से अवैध शराब, अवैध नशा है, तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। किंतु इसके साथ साथ समाज का भी और परिवार का भी प्रेशर होना चाहिए। परिवार को मालूम होना चाहिए कि उसके जो बच्चे हैं वो कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके संगी साथी कौन है। और बड़ों को भी अपना आचार व्यवहार इस प्रकार से बनाना चाहिए कि बच्चे उनसे सत्कर्मों की प्रेरणा लें। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे का आदि होता है तो उसको जो कैंप बनाए जाते हैं हमारे, उसको ऑर्गेनाइज करके उसमें दाखिला करना चाहिए, ताकि वो इस प्रकार की बीमारी से दूर हो सके। क्योंकि जो नशा है, नशा करने से सबसे ज्यादा जो दुष्परिणाम होते हैं वो हमारे शरीर पर होते हैं, और वो सबसे बड़ी हानि है। यही मेरा कहना। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? युवाओं को मैं संदेश देना चाहूंगी कि आजकल का जो युवा है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, हमारे जमाने से ज्यादा उसमें अवेयरनेस है। तो उसकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को संग्रहित करके उसको रचनात्मक कार्य करने चाहिए, उसको ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसका लाइफ स्टैंडर्ड है, जो जीवन स्तर है, वो ऊंचा बढ़े। भले वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड और उसका जो सद्गुण होते हैं उसमें उसको अपनी ऊर्जा लगाए जानी चाहिए। आज नशा मुक्ति अभियान में आप शामिल हुई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, ये हमारे सामाजिक स्तर पर जो रीछा मंडल है उसके अध्यक्ष भाई राजकुमार जी ने अच्छा प्रयास किया है, समाज के साथ काम करते हुए भी नशा मुक्ति की चर्चा करते हैं। नशा निश्चित रूप से समाज के लिए नशा नाश की जड़ है, ऐसा कि सब लोग इसको जानते हैं पर कुछ लोग मानते नहीं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको माने, सभी लोग निश्चित रूप से ये प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनको हृदय से साधुवाद देता है। सभी को, जिले को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, सभी लोग बढ़िया काम, ऐसा वैसे हमारे जिले में इतनी बड़ी समस्या नहीं है नशा, पर फिर भी जो लोग छोटे मोटे नशा भी, जर्दा बीड़ी, तमाकू खा रहे हैं, उनको भी इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए क्या संदेश? हाँ, नशा मतलब लोग नहीं करेंगे तो मजबूत युवा बनेगा, और जितना मजबूत युवा बनेगा देश भी उतने मजबूत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत यहाँ से की थी, उसका भी असर देखा है? हाँ, नहीं, अभी चर्चा पूरे देश में चर्चा है। मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर तक शराब की दुकानें हैं उनको बंद करने की बात कही है, वो दुकानें उन्होंने बंद भी करी है। और ये अन्य गुजरात में बहुत दिनों से शराब नहीं बिक रही, बिहार की सरकार से शराब बन रही, सरकार जा रही है उनके सामने। ये भी हमारे मतलब संविधान की एक व्यवस्था है, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान, तो उनमें ये बात ठीक है नशाबंदी की ओर दूर लोग जाएं। 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में शराबबंदी का है, इस संबंध में नहीं अभी ऐसी पूरी चर्चा नहीं है कि पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर, बहुत जल्द 2 अक्टूबर तो आने वाली है।